हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आ गया हूँ फिर से आपके बीच में एक नया ब्लॉग लेके, और आज मैं आ पहुँचा हूँ अपने मामा के घर, क्योंकि मेरे छोटे मामा की शादी है। तो कुछ टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो इस चक्कर में ब्लॉग बना भी नहीं पा रहा हूँ और एक्चुअली मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा। तो आज पहुँचा हूँ मामा के घर पर, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, पहला दिन है और आज मामा को हल्दी और मेहंदी लगेगी। तो ब्लॉग में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्षमा चाहता हूँ बहुत टाइम बाद ब्लॉग लेके आ रहा हूँ और अपने लिए स्टार्टिंग कर रहा हूँ ब्लॉग की। और जहाँ तक चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग फिर से प्यारे लगें और फिर से नई नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। और बने रहें ब्लॉग में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे पहले ही प्यार देते थे वैसे ही प्यार देते रहें। और ये हैं मोनू भाई, पीछे से आ रहे मेरे कुणाल भाई। तो सारी फैमिली पहुंच चुकी है, कुछ लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। दीपू भाई हमारे 2 बजे पहुंचे हैं, रात के 2-3 बजे, और देखो अभी क्या क्या होता है। तो बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही प्यार देते रहें। तो गाइस, मैं हल्दी के लिए तो तैयार हो चुका हूं, और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी घर पर हूँ, तो 10-15 मिनट के बाद हम निकलेंगे विद फैमिली। तो देखते हैं वहाँ जाके किस तरीके का प्रोग्राम उन्होंने रेडी किया हुआ है अपना। तो गाइस, सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। ये हमारे जवाई, वो छोटा भाई और वो बीच वाला, हम तीनों तो निकल चुके हैं। बहन लोगों को लेने के लिए अभी थोड़ी देर में आएंगे, और देखते हैं अभी वहाँ क्या क्या एंजॉय होता है। बीच वाला भाई अभी आ चुका है, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तो गाइस, तो स्मार्टफोन लग रहा है मैं लग रहा हूँ। और ये लगा हुआ है हल्दी का, वो अभी आए हुए नहीं है। भाई लोगों, भीमतालू मचाएंगे कल, राड़ा राड़ा।
Thank you.
किया तुमने, सबसे अच्छा किया। गाइज यहाँ पे मामा की आंखों में भी आंसू आ गए थे क्योंकि नाना नानी नहीं है हमारे, तो उनको उनकी याद आ गई थी सब लोगों को, मेरी मौसी को, मामा लोगों को, और इन लोगों को देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। देखिए अभी मामा का चेहरा किस टाइप का हुआ है, बिल्कुल रोने वाला। और इधर पे मेरी दूसरी मौसी भी रोने लगी थी, और उसके बाद वाली मौसी भी रोने लगी थी, क्योंकि जब हम लोगों के प्रोग्राम होते हैं तो हम लोगों को उन लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वही सब कुछ थे इस घर पे। तो आप हमारे बीच में नहीं हैं मगर यादें तो आती हैं, कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम हो तो उन लोगों की मामा की आंखों में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, आंसू आ गए थे। और फिर मेरी मौसी, दूसरी मौसी की भी, ये देखिए
आ चुका हूँ मैं अब फिर से मामा लोगों के घर पे। तो अभी है हल्दी का प्रोग्राम, तो देखते हैं आगे हल्दी का प्रोग्राम में। और दौरी आ चुका हूँ फिर से अभी बहन के पास है, मामा जी के घर, जहाँ अभी अभी प्रोग्राम है हमारा मेहंदी का। और देखते हैं किस तरह का प्रोग्राम होता है, कितना मज़ा आता है। तो वीडियो को बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारा डेकोरेट हो चुका है, तो बने रहें वीडियो में। हेलो भाई लोग, कल हम जाएंगे अल्मोड़ा, जैसे कि वहाँ बरात है। भीमताल भीमताल कम करो और भाड़ा कर दो भाड़ा। बताओ कैसी लगी मेरी मेहंदी आपको? मजा आ गया। आपको कैसे लगी? अम्मा बैठो, मेहंदी कैसी लगी मम्मी? अरे मम्मी मिटा दी यार, कैसी लगी ये? हैं? बढ़िया। अम्मा बताओ कैसी लगी? मजे मस्ते। अकेले आए? और कौन है? अंशु आदे।